हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्क्रंची की कटिंग। तो सबसे पहले सिंगल पीस कपड़ा लेना है हमें। उसमें हमें चौड़ाई लेनी है 16 इंच और लंबाई लेनी है 3 इंच। तो एक सिंगल पीस हमें ऐसे रेक्टेंगल शेप में कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कपड़ा रेडी। उसके बाद हम लेंगे इलास्टिक जो होगी हमारी 6 इंच की। आप चाहो तो 7 इंच भी ले सकते हो। तो कपड़े का जो साइड वाला हिस्सा है यानी 3 इंच वाला हिस्सा है, उसे हम 1/2 इंच पर सिलाई कर देंगे ताकि जब हम उसको खोले तो उसकी धागा बाहर ना आए। तो दोनों बाजू पर हम 1/2 इंच पर सिलाई करेंगे। तो जो लेंथ रहेगी उसको हम सीधे पे सीधा रखते हुए 1/2 इंच छोड़ते हुए उसको पूरी लंबी सिलाई स्ट्रेट कर देंगे। फिर एक पिन की मदद से उसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा इलास्टिक। तो एक साइड से हम इलास्टिक को डालेंगे और दूसरी बाजू से उसको निकालेंगे। तो ये हो गया है हमारा इलास्टिक रेडी। तो ये इलास्टिक बाहर आने के बाद हमें उसको दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए एक सीधी सिलाई करनी है ताकि वो निकले ना। और उसके बाद उसको हम एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े के ऊपर रखते हुए अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया है हमारा स्क्रंची रेडी। ये आप रबर बैंड जैसे यूज़ कर सकते हो।